अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर ऑनलाइन इंग्लिश क्लास। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश बुक 3। टेक आउट योर बुक, ओपन यूनिट नंबर 2, चैप्टर नंबर 2, प्ले टाइम। प्ले टाइम बेसिकली एक पोइम है जिसके अंदर यहाँ पे खेल के बारे में, यानी कि जो खेल का वक्त होता है उसके बारे में जो है बच्चे, यानी कि जिस तरह से खेल रहे होते हैं हमने, उसके बारे में ये पूरी पोइम जो है वो रीड करनी है। सबसे पहले इसके वर्ड्स मीनिंग रीड करते हैं। बेस, बेस का मतलब है इब्तदाई मुकाम, द स्टार्टिंग प्लेस और गोल्स इन गेम्स, यानी कि ऐसा ऐसी जगह जहाँ से आप गेम्स को शुरू करते हैं। बीडी, स्मॉल राउंड एंड ग्लीमिंग, यानी कि मोतियाँ जैसे जो बीड्स की तरह होती हैं, सेम वैसे ही स्मॉल है, राउंड है मतलब गोलाई में है, और ग्लीमिंग मतलब चमकती हुई है। कैप्चर्ड, गॉट होल्ड ऑफ समथिंग और समवन बाय फोर्स, यानी कि किसी चीज़ को मजबूती से पकड़ लेना या ताकत के साथ पकड़ लेना। डिफीट, हैविंग बीन बीटन इन अ बैटल और कॉन्टेस्ट, किसी चीज़ में यानी कि जंग में किसी को हरा देना तो वो शिकस्त देना डिफीट कहलाता है। फिरोशियस, सेविजली फियर्स वॉयलेंट या वाइल्ड, यानी कि बुरी तरीके से, यानी कि जो जंगली होता है, जो वैशी होता है उसको फिरोशियस कहा जाता है। लायर, अ प्लेस वे वाइल्ड एनिमल्स लिव, यानी कि ऐसी जगह जहाँ पर जंगली जानवर रहते हैं उसको कचार तब लायर कहते हैं। मिशन, मुहिम, एन इम्पोर्टेंट टास्क डेट समवन इज सेंट समवेयर टू डू, मतलब एक खास जो काम है जो किसी को कहीं करने के लिए भेजा जाता है उसको मिशन कहते हैं। मंच्ड, एट समथिंग लाउडली, यानी किसी चीज़ को ऊंची ऊंची खाना, मतलब आवाज़ निकालते हुए खाना। स्नूजिंग, नैपिंग और रेस्टिंग, मतलब सोते हुए जो आवाज़ आती है उसको स्नूजिंग कहते हैं। अब हम पोइम की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। By the garden shed, my sister and I were playing a game and I was spy. I had a mission while she guarded base. I had to get gold from a secret place. The gold was two apples on a big tree, but in our game they were real gold to me. अब इसकी रीडिंग कर ली, अब इसके यानी कि ट्रांसलेशन के साथ, वर्ड मीनिंग के साथ इसको पढ़ते हैं और उसको समझते हैं कि वो इन स्टैंजा में क्या कहना चाह रहा है। बाय द गार्डन शेड माई सिस्टर एंड आई, यानी कि बाग के छप्पड़ के पास मेरी बहन और मैं वर प्लेइंग अ गेम एंड आई वॉज अ स्पाई, मतलब वो एक खेल खेल रहे हैं और उसमें वो एक जासूस है। आई हैड अ मिशन वाइल्ड शी गार्डेड बेस, यानी कि उसका एक मुहिम है, मतलब एक मिशन है जो टास्क है उसने पूरा करना है, वाइल्ड शी गार्डेड बेस और जब जाके वो एक ठिकाने की जगह पर है। I had to get gold from a secret place, यानी कि उसने एक खुफिया मुकाम से सोना हासिल करना है। The gold was two apples on a big tree, यानी कि जो सोना है वो दो एप्पल्स हैं जो, यानी कि दो सेब हैं जो बड़े से दरख्त के ऊपर लगे हुए हैं। But in our game they were real gold to me, लेकिन इस गेम के अंदर वो उसके लिए असली सोना है। A giant beast was asleep in the way, if I woke him up I would sure to be paid. I would sure to pay. The beast was ferocious, quite mad and bad, but really the beast was my snoozing dad. I crept past the bushes, twisted like wire, and drowned the low while glowing warm like fire. A giant beast, यानी कि एक दो कलामत, मतलब एक बड़ा सा जो दरिंदा है, was asleep, वो सो रहा था, in the way, रास्ते में, if I woke him up, I would sure to pay, यानी कि अगर मैंने उसको जगा दिया तो ज़रूर मुझे उसकी कीमत अदा करनी होगी। The beast was ferocious, यानी कि जो दरिंदा है वो बहुत वैशी है। Quite mad and bad, यानी कि वो बिल्कुल पागल है और बुरा है। But really the beast was my snoozing dad, यानी कि हकीकत में जो beast है, जो दरिंदा है, वो उसके अपने ही सोते हुए अबू हैं। I crept past the bushes, twisted like wire, यानी कि वो चुपके चुपके उन झाड़ियों में से गुजरी जो तारों की तरह मुरी हुई थी। एंड राउंड द लो वॉल ग्लोइंग वार्म लाइक फायर, और उसके पास जो नीचे दीवार थी वो आग की तरह दहक रही थी। आई डिड नॉट नोटिस द बीट्स बीडी आई, यानी कि मैंने बिल्कुल भी नोटिस नहीं किया, यानी कि गौर नहीं किया कि जो मोती जैसी आँख जो थी दरिंदे की जो चमक रही थी। ओपनिंग स्लोली माई डैड कुड बी स्ले, यानी कि वो आहिस्ता आहिस्ता जो खुल रही थी, मेरे वालिद ने यानी कि बड़ी चलाकी वहाँ से दिखाई। आई रीच आउट माई हैंड एंड कैप्चर्ड द गोल्ड, यानी कि वो वहाँ से उसने हाथ अपना बढ़ाया
और जाके उस सोने को दबोच लिया या पकड़ लिया। आई वॉज ऑलमोस्ट बैक वेन आ हैंड टू होल्ड, मैं तकरीबन वापस ही आ चुकी थी जब उसने मेरे हाथ को पकड़ लिया। इट ग्रैब्ड एट माई शर्ट एंड मेड मी येल, उसने मुझे मेरी कमीज से पकड़ा और मुझे चीखने पर मजबूर कर दिया। माई सिस्टर लुक्ड अप एंड शी स्क्रीम्ड एज वेल, मेरी बहन जो थी वो बंद थी, लुक्ड अप मतलब उसने भी ऊपर की तरफ देखा। माई सिस्टर लुक्ड अप, उसने मेरी बहन ने ऊपर की तरफ देखा एंड शी स्क्रीम्ड एज वेल, और वो भी मेरे साथ चीख पड़ी। ऑफ द मॉन्स्टर, द बीस्ट हैज कॉल्ड यू नाउ, गॉट यू नाउ, ओ मॉन्स्टर, यानी कि जो दरिंदा है उसने तुम्हें अब पकड़ लिया है। आई हैड टू एस्केप, मुझे फरार होना है। आई डिडंट नो हाउ, लेकिन मैं नहीं जानती कि कैसे। माई सिस्टर फ्लू इन, मेरी सिस्टर यानी कि मेरी बहन जो है वो उड़ती हुई आई एंड स्टार्टेड अ फाइट, और उसने लड़ाई शुरू कर दी। वी बोथ फॉर द बीस्ट विद ऑल ऑफ आर माइट, हम दोनों जो है दरिंदे से लड़े जहाँ तक, यानी कि अपनी पूरी ताकत के साथ। सून ही वॉज वीक, जल्द ही वो कमज़ोर पड़ गया एंड ही फेल टू हिज नीज, और वो अपने घुटनों के बल गिर गया। आर डैड कुड एक्ट वेल, मेरे वाले जो थे वो अच्छी अदाकारी कर सकते थे। एंड ही लाइक टू प्लीज, और वो हमें खुश करना चाहते थे, यानी कि खुश करना उनको हमें पसंद था। वी एस्केप्ड टू आर सेफ प्लेस बाय द शेड, उसके बाद हम फरार होकर एक महफूज मुकाम पर यानी कि छप्पर के पास पहुँच गए। द बीस्ट वॉज डिफीटेड एंड हंग हिज हेड, इनके जो दरिंदा था उसको शिकस्त हुई और उसके सर को हम लोगों ने लटका दिया। ही रिटर्न टू सेटल इन हिज डार्क लेयर, और कुछ देर बाद यानी कि वो बैठने के लिए अपनी तारीख कचार में वापस आ गए। एक्चुअली जस्ट द गोल्डन गार्डन ओल्ड गार्डन चेयर, दरअसल जो पुरानी गोल्ड पुरानी बाग की जो कुर्सी थी। विच स्पाइस हैड वॉन, यानी कि हम जो सूज जो थे वो जीत गए। द मिशन कम्प्लीट, यानी कि मुहिम जो है वो पूरी हो गई। वी मस्ट ऑन आर एप्पल्स, यानी कि हम लोगों ने जब यानी कि चबाने की आवाज़ से निकाल कर अपने सेब को खाया। ओ वट आर ट्रीट, यानी कि वो कितने मज़े के हैं। सो यहाँ पे बेसिकली इस पॉइंट में दो सिस्टर जो है वो अपने फादर के साथ खेल रही हैं, और वो वहाँ पे इस तरह से खेल रही हैं कि जैसे वो दोनों स्पाइस यानी कि जासूस बने हुए हैं, और वो वहाँ से एक एप्पल जो है वो चुरा के ले जाना चाह रहे हैं, और वहाँ पे उन्होंने जो बीस्ट बनाया हुआ वो उसके अपने ही फादर हैं। और वो किस तरह से खेलते हैं, मतलब यानी कि बच्चे जो हैं अपने फादर के साथ यहाँ पे खेल रहे हैं, और यहाँ पे वो एक मुहिम बना रहे हैं, अपनी मिशन बना रहे हैं जिसको वो कम्प्लीट कर रहे हैं, और उसको कम्प्लीट करने के बाद वो एप्पल्स जो हैं जो उनको गोल्ड एप्पल जिसको कह रहे थे उसने वो हासिल कर लिए। सो यहाँ हमारी पोइम जो है वो कम्प्लीट होती है। राइट ऑन द डे इन द डे चेयर, वी विल कंटिन्यू विद आवर एक्सरसाइज इन आवर नेक्स्ट वीडियो। स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफिज़।